नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। बहुत सारे ऐसे पति हैं जो मुझसे सवाल करते हैं कि सर, मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर 125 सीआरपीसी का मेंटेनेंस लेने के लिए केस कर दिया है। मेरी पत्नी ने जो 125 सीआरपीसी का मेंटेनेंस के लिए केस किया है, उसमें जज साहब ने इंटरिम मेंटेनेंस यानी अंतरिम भरण पोषण का आदेश कर दिया है। तो सर, अब हमें ये बताइए कि अगर जो जज साहब ने अंतरिम भरण पोषण का आदेश किया है, उसे मैं अपनी पत्नी को नहीं देता हूं, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे ही बहुत सारी ऐसी पत्नियां हैं जो मुझसे सवाल करती हैं कि सर, हमें ये बताइए कि मेरे 125 सीआरपीसी के केस में जज साहब ने अंतरिम भरण पोषण का आदेश किया है और मेरा जो पति है वो भरण पोषण नहीं दे रहा है, तो ऐसे में मुझे क्या करना होगा? तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर 125 सीआरपीसी के केस में अंतरिम भरण पोषण का आदेश हो जाता है और पति उस आदेश को नहीं मानता है, पत्नी को भरण पोषण नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कौन सी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, ये सारी चीजों को आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा नॉलेजफुल है और काफी अच्छी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अनएकेडमी पे एक नया बैच स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है योद्धा फाउंडेशन बैच फॉर जुडिशरी, और ये जो बैच है वो 18 महीनों के लिए जुडिशरी एग्जाम के लिए लाया गया है। इस बैच में आपको अर्चना मैम, करण संगवान सर और उन्नति श्रीवास्तव मैम के द्वारा आपको नॉलेज दिया जाएगा और यही आपके एजुकेटर होंगे। और ये जो बैच है इसे 9 नवंबर 2021 को लॉन्च किया गया है और ये जो आपका बैच है वो 17 नवंबर 2021 से स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके आप इस बैच में इनरोल करा लिए खुद को और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। इसके अलावा अनएकेडमी पे अभी बहुत सारे ऐसे बैचेज हैं जो रनिंग चल रहे हैं और जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट नॉलेज प्राप्त कर रही हैं। जिन बैचों को अभी रनिंग में चलाया जा रहा है अनएकेडमी पे, आप उसे अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप अनएकेडमी में इनरोल हो जाएं और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। अनएकेडमी पे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ भी आपको स्पेशल ऑफर मिल रहा है जिसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप अनएकेडमी पे सब्सक्रिप्शन ले लें और इस ऑफर का भी लाभ उठा लें। अनएकेडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने का जो चार्ज है वो आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। तो जितना जल्दी हो सके आप अनएकेडमी पे सब्सक्रिप्शन ले लें और अपनी तैयारी शुरू कर दें। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते समय ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करती हैं तो ऐसे में आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, तो आप इस ऑफर का भी लाभ उठा सकते हैं। तो अब देर किस बात की, जल्दी से अनएकेडमी पे सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए और अपने सपने को पूरा कीजिए। तो देखिए, 125 सीआरपीसी में अगर कोई भी आदेश हो जाता है, चाहे वो आदेश अंतिम आदेश हो या फिर अंतरिम आदेश हो, तो ऐसे में पति अगर उस आदेश को नहीं मानता है, भरण पोषण नहीं देता है, तो ऐसे में यह एक प्रकार का अपराध माना जाता है और ऐसे में पति को सजा भी हो सकती है। अब सजा कराने के लिए ऐसा नहीं है कि पति जो है वो मेंटेनेंस दे ही नहीं रहा है। अगर मान लीजिए अंतरिम भरण पोषण का आदेश हो गया है और पति उसे दे ही नहीं रहा है, तो ऐसे में वैसे ही जज साहब उठा के पति को सजा कर देंगे, ऐसा नहीं है। पत्नी को एक स्टेप लेना पड़ेगा, तभी जाके ये पॉसिबल हो पाता है और अंतरिम भरण पोषण की वसूली हो पाती है। 128 सीआरपीसी में जो 125 सीआरपीसी का आदेश होता है, चाहे वो आदेश अंतरिम आदेश हो या फिर अंतिम आदेश हो, तो ऐसे में अगर उसका पालन नहीं किया जाता है तो उसे पालन कराने के लिए प्रावधान किया गया है। यानी 125 सीआरपीसी का जो आदेश होता है उसे परावर्तन यानी लागू कराने का जो प्रावधान किया गया है वो 128 सीआरपीसी में किया गया है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि अगर जो पति है वो अंतरिम भरण पोषण का पालन नहीं करता है, जो आदेश आया है उसका पालन नहीं करता है, पत्नी को भरण पोषण नहीं देता है, तो ऐसे में उसे क्या सजा हो सकती है? तो देखिए, 125 सीआरपीसी में ही इस संबंध में प्रावधान किया गया है और कहा गया है कि 125 सीआरपीसी में अगर कोई आदेश होता है, चाहे वो आदेश अंतिम आदेश हो या अंतरिम आदेश हो, और ऐसे में जो पति है वो भरण पोषण नहीं दे रहा है, तो जितने माह का बकाया भरण पोषण होगा उतने माह तक के लिए पति को सजा सुनाई जा सकती है। अगर मान लीजिए अंतरिम भरण पोषण का आदेश हो जाता है और जितने माह तक का बकाया भरण पोषण होता है उतने माह तक के लिए पति को जेल भेजा जा सकता है।
इस प्रकार का सजा का प्रावधान किया गया है। अंतरिम भरण पोषण के लिए भी 125 सीआरपीसी में चाहे अंतिम आदेश हो या फिर अंतरिम आदेश हो, दोनों का अगर पति पालन नहीं करता है तो ऐसे में जितने महीनों तक का पति पालन नहीं किया होगा, जितने महीनों तक का बकाया भरण पोषण होगा, उतने महीने तक का जो कोर्ट है वो पति को सजा सुना सकता है। लेकिन अगर मैं ये चीज़ आपको प्रैक्टिकली में बताऊं और जो चीज़ कोर्ट में हो रही है उसे बताऊं, तो देखिए सिर्फ एक महीनों के लिए ही कोर्ट जेल भेजता है। कोर्ट के पास पावर है कि जितने महीनों के लिए कोर्ट चाहे उतने महीनों तक के लिए भेज सकता है, यानी जितने महीने का बकाया भरण पोषण है उतने महीने तक के लिए भेज सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली में आप ये मान के चलिए कि जो कोर्ट होता है वो सिर्फ एक महीने के लिए ही भेजता है, और यही चीज़ प्रैक्टिकली में हो रही है। चाहे आपका कितना दिन का भी बकाया होता है लेकिन कोर्ट सिर्फ एक महीने के लिए ही पति को जेल भेजता है। और ऐसा भी नहीं है कि आप जेल चले जाएंगे तो जो बकाया भरण पोषण होगा वो माफ़ हो जाएगा, वो भी माफ़ नहीं होता है। जेल जाने से और भरण पोषण जो बकाया है उसमें माफ़ होने से कोई संबंध नहीं है। आपको जेल इसलिए भेजा जाता है कि आपने कोर्ट के आदेश को नहीं माना, न कि आपका जो जिम्मेदारी है उससे आपको जेल भेज देने से मुक्त कर दिया जाएगा। ये तो हो गई अंतरिम आदेश जो हुआ है उसे पालन नहीं किया जाता है तो सजा के संबंध में बात। अब हम ये समझ लेते हैं कि क्या करना होगा, किस प्रकार जो बकाया भरण पोषण है उसे पत्नी वसूल सकती है। तो देखिए पत्नी को अगर अंतरिम भरण पोषण का आदेश हो जाता है और उसके बाद पति जो है वो उस आदेश का पालन नहीं कर रहा है, तो ऐसे में पत्नी को 128 सीआरपीसी के अंतर्गत जो बकाया भरण पोषण होता है, यानी जो अंतरिम भरण पोषण का आदेश हुआ होता है, उसे वसूल करने के लिए 128 सीआरपीसी के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र देना होता है। जब पत्नी ये प्रार्थना पत्र दे देती है तो उसके बाद जो बकाया भरण पोषण होता है उसके लिए जो कोर्ट होता है पति के विरुद्ध वारंट जारी करता है। जब पति के विरुद्ध वारंट जारी हो जाता है उसके बाद पुलिस जाती है, पति को गिरफ्तार करके कोर्ट में लाके पेश करती है। जब कोर्ट में लाके पति को पेश किया जाता है तो वहां भी जज साहब पति से पूछते हैं, क्या जो बकाया भरण पोषण है तुम देना चाहोगे? अगर पति वहीं पे दे देता है तो ऐसे में जो कोर्ट होता है पति को वहीं पे मुक्त कर देता है। लेकिन अगर जो पति होता है वो भरण पोषण देने को तैयार नहीं होता है तो जैसा मैंने आपको बताया सजा के तौर पे ये है कि जितने महीनों का बकाया भरण पोषण होगा उतने महीनों तक के लिए पति को कोर्ट जेल भेज सकता है, चाहे अंतरिम आदेश हो चाहे अंतिम आदेश हो, दोनों मामलों में ऐसा कोर्ट कर सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली तौर पे ऐसा होता है कि ऐसी स्थिति में सिर्फ एक महीनों के लिए चाहे कितने भी दिनों का बकाया भरण पोषण हो, जो कोर्ट होता है पति को एक महीने तक की कारावास की सजा सुना देता है और जेल भेज देता है। अगर मान लीजिए जो पति होता है 15 दिन जेल में रहने के बाद कहता है कि जो बकाया भरण पोषण है मैं देना चाहता हूँ, और जो पति होता है देने को तैयार हो जाता है, बकाया भरण पोषण दे देता है, तो ऐसे में 15 दिनों के बाद ही पति को छोड़ दिया जाता है। तो यही प्रक्रिया होती है और इसी प्रकार से अंतरिम भरण पोषण जो बकाया होता है उसे ली जाती है। और जो अंतरिम भरण पोषण होता है उसमें भी यही प्रावधान है कि जितना बकाया होगा उतने महीनों तक के लिए कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। तो आशा करता हूं ये चीज आप समझ चुके होंगे और इसके बारे में आपको सारी जानकारी मिल चुकी होगी। अगर आपके मन में अब भी कोई कंफ्यूजन है या फिर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और आप मुझसे फ़ोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।